कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिस योनि में मनुष्य लक्ष्य रख सकता है, अपने आप को कैसा निर्माण करना, अपने आप को कैसा बनाना, कहाँ तक पहुँचना, क्या पाना, यह योजना केवल मनुष्य योनि में ही की जा सकती है। अन्य किसी भी योनि में कोई भी योजना नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो अगर हमारा भी जीवन उन पशु पक्षियों की तरह उद्देश्य विहीन हो, तो फिर मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई उपयोग ही नहीं है। क्योंकि हम भी वो पशु और पक्षियों के स्तर के ऊपर आ जाएंगे। ध्यान के दौरान यज्ञशाला के पास एक वट का वृक्ष है, वहाँ सवेरे एक दिन ध्यान में था, तो गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ और जब गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ तो गुरुदेव से पूछा मेरी साधकों की प्रगति कब होगी, मैं सदैव आप ही के बारे में पूछते रहता हूँ, आप ही के बारे में सोचते रहता हूँ, सदैव आपके बारे में सब चलते रहते हैं। तो उन्होंने बताया जब तक सत्य परिस्थिति, सही परिस्थिति आप खुद उनके सामने नहीं रखते, तब तक एक सही दिशा उनको प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार से एक बच्चे को देख करके माँ बाप सोचते हैं छोटा है, अभी छोटा है, बड़ा होगा तो सीखेगा, बड़ा होगा तो सीखेगा, बड़ा होगा तो सीखेगा, और उसके हर गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और वो आज ना कल सीखेगा, आज ना कल सीखेगा, ऐसे ही सोचते रहते हैं। और ऐसा ही तू सोचता है और तू कभी भी उनको सत्य परिस्थिति नहीं बताता, सही परिस्थिति नहीं बताता। और इंतजार करता है कि उनकी प्रगति हो, प्रोग्रेस हो। तो मुझे लगा महाशिवरात्रि का पर्व आत्मा का उत्सव है, शिवजी के शिवलिंग से निराकार परमात्मा का
संकेत मिलता है। तो क्यों ना महाशिवरात्रि के दिन वस्तु स्थिति सत्य स्थिति आपको बताऊं, क्योंकि सत्य ही शिव है। अगर आज हमको शिव को पाना है तो सत्य को जानना ही हुआ, सत्य को पहचानना ही हुआ। तो सत्य परिस्थिति ऐसी है कि साधकों में भी दो प्रकार हैं। अब इस दो प्रकारों में आप किस प्रकार में आते हैं, किस साइड में आते हैं, इसका अध्ययन आप खुद करके देखिए। अधिकतर साधक इसी प्रकार के अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर साधक शरीर से ध्यान करते हैं, साधक शरीर से ध्यान करते हैं। देखो एक सिंपल बताता हूं, जो किया जाता है वो मन की एकाग्रता करते हैं। ध्यान कभी कर ही नहीं सकते, ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। आप ध्यान करने का प्रयास करते हो, ध्यान करने के प्रयत्न करते हो, कई चिट्ठियां कई पत्र मुझे बार बार यही आते रहते हैं, स्वामी ध्यान करने का प्रयत्न कर रहा हूं, ध्यान करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन बहुत विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं। जो दिन भर में विचार नहीं आते वो ध्यान के समय आते। इसका अर्थ हम मन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कभी छोटे बच्चों के स्कूल में गए होंगे, उन बच्चों को टीचर जबरदस्ती एक क्लास में बंद करके रखते हैं और बच्चे राह देखते रहते हैं कब छुट्टी हो कब छुट्टी हो, और छुट्टी होने के बाद में टीचर के पहले बच्चे स्कूल के बाहर रहते हो करके चिल्लाएंगे, एकदम बाहर निकलेंगे। तो ये सही छोटे बच्चों की स्कूल रहती कि नहीं, ऐसे आपके विचार हैं। आप एक घंटे के लिए ध्यान करने बैठते हो, मेडिटेशन करने के बैठते हो, जबरदस्ती रोक के खूब मेहनत से खूब ताकत से अपने विचारों को दबाते हो, और दबाने के बाद में जैसे ही आपका मेडिटेशन खत्म होता है फिर देखो बाप रे इतने विचार आने लग जाते हैं, इतने विचार आने लग जाते हैं। इसका मतलब आपने उतने देर रोक के रखा था, और विचारों को रोक के रखा था मतलब आपने कहीं तो भी शरीर का उपयोग किया था, शरीर से ध्यान किया था, और शरीर से ध्यान समर्पण ध्यान नहीं है। समर्पण ध्यान की पहली स्टेप आपकी गलत पड़ गई है, और जब ये गलत स्टेप पड़ गई, शरीर से ध्यान करने की आदत डाल दी और फिर उसी दिशा में चले गए, एक स्टेप गलत गए फिर गलत 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 होते ही चले गए, फिर आगे की भी गलतियां होके गई। पहली गलती है कि शरीर से ध्यान करना, जहां शरीर से ध्यान करना चालू किया कि फिर देखो जहां पे सारे समाज के ध्यान समाप्त होते हैं वो जगह है निर्विचार स्थिति, वहां से समर्पण ध्यान शुरू होता है। तो मन की एकाग्रता विचारों पे नियंत्रण इसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है विचारों पे नियंत्रण करके मन को एकाग्रता करके थोड़े लाभ आपको मिलते होंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन लगता होगा, माइंड फ्रेश लगता होगा, और कार्य करने को ऊर्जा मिलती होगी, सब है, ये सामान्य लाभ है। इन लाभों के लिए मेडिटेशन नहीं है। दूसरा आप देखो ना, जब आप शरीर से ध्यान करते हो तो अहंकार गया क्या? नहीं, अहंकार ने रूप परिवर्तित कर लिया। समझ लो पहले आप धनवान थे, उसके बाद में साधक हो गए, तो अब धन का अहंकार नहीं है, लेकिन आपको अहंकार है कि आप एक साधक है, मैं एक साधक हूं, इसी का अहंकार। पहले समझ लो आपको आपके रूप का अहंकार होगा कि मैं बहुत सुंदर स्त्री हूं, अब वो सुंदर स्त्री का अहंकार नहीं रहा, लेकिन आप कहेगा मैं एक अच्छी साधिका हूं, मेरी ध्यान की उच्च अवस्था है। तो एक अहंकार गया, दूसरा अहंकार आ गया, अहंकार का रूप परिवर्तन हुआ है, अहंकार का चेहरा बदला है, अहंकार गया नहीं है।
वास्तव में कर्ता और ध्यान ये दोनों एक साथ नहीं लग सकते। जब तक आपके अंदर कर्ता का भाव है तब तक ध्यान कभी लग ही नहीं सकता, उसके लिए कर्ता का भाव समाप्त करना पड़ेगा। जब तक वो समाप्त नहीं करते तभी कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है क्षमा। क्षमा भाव कितना कर पाए, जैसे मैं शुरू में कहा था कि ध्यान करने के पहले अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो, और आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी दुर्भावना हो, कोई भी बुरी भावना हो, उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। क्षमा करने से क्या होगा? क्षमा करने से आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका चित्त पवित्र होगा, आपके मन में कोई बुरा व्यक्ति नहीं होगा, कोई बुरी घटना नहीं होगी। वो क्षमा भी आप नहीं कर पाए, आप क्या क्या विचार करते हो, क्या क्या सोचते हो, किन किन लोगों के बारे में सोचते हो, सब मुझे पता चलते रहता है, क्योंकि अनुभूति के कारण आपका और मेरा एक निजी संबंध हो गया है। उस संबंधों से बहुत सूक्ष्म अध्ययन करने का अवसर मिलता है। तो अहंकार आपका समाप्त हुआ नहीं, रूप परिवर्तन हो गया, क्षमा आपकी हुई नहीं। क्षमा इसलिए नहीं, थोड़े समय के लिए ध्यान करते हैं, थोड़े समय के लिए आप भूल जाते सब, लेकिन बाद में फिर दैनिक व्यवहार में क्षमा हुई है कि नहीं हुई है? तो क्षमा अगर होती तो चित्त शुद्ध होता, चित्त पवित्र होता, चित्त शुद्धि हुई नहीं है। तीसरा स्वीकार। स्वीकार करना आता है क्या? नहीं आता। जैसे मैं कई बार बता रहा हूं कि आप इस कोने में भी मत बैठे रहो, आप इस कोने में भी मत बैठे रहो, आप बीच में बैठो। क्या होता है, आप जब ये एक कोना पकड़ करके बैठते हो और उसके बाद में जब आपको इस कोने में जाना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, इधर से इधर तक जाना पड़ता है। या समझ लो ये कोना पकड़ करके बैठते हो, फिर इस कोने से इस कोने आना पड़ता है, उसमें भी तकलीफ होती है। आप बीच में रहो, आप मध्य में रहो। तो मध्य में रहोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ जा सकते हो, जो भी परिस्थिति है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, दोनों ही बातें स्वीकार करने की आपकी तैयार होनी चाहिए। तो स्वीकार करना आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कई बार देखता हूँ कई साधक कई साधिका, आप क्या क्या धंधे करते हो ना, सब मेरे को मालूम है क्या करते हैं मालूम है। जैसे किसी साधिका को कहीं जाने का अवसर, वो चाह रही थी कि वहाँ जाना चाहिए जाना चाहिए, नहीं मिला तो तस्वीर को उल्टी करके रख देते, लटका के रख देते, क्या 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 धंधे करते सब पता है। क्यों? क्योंकि उसको जाने को नहीं मिला। और फिर क्यों नहीं जाने को मिला, जब उसका रिजल्ट उसके सामने आता है, परिणाम उसको आता है, तो आत्मग्लानी भी आते हैं, अच्छा ऐसा होने वाला था क्या, इसलिए यह स्वामी जी ने मुझे नहीं जाने दिया। तो होता क्या है, आपका दृष्टि बहुत छोटा है, एक स्तर तक देख सकते हो, खूब दूर तक की दृष्टि आपकी नहीं है। इसीलिए जो कुछ है ध्यान के अंदर, सबसे पहले स्वीकार करते आना चाहिए, जो परिस्थिति है सभी परिस्थितियों को स्वीकार करो, जैसा है हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कुछ भी होना ही चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा आप आपका खुद का मत तैयार करो। ऐसा अगर स्वीकार करना सीख जाओ तो ध्यान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, कई बार मैंने अपने संदेशों में अपने लेखों में स्त्री शक्ति के बारे में लिखा, स्त्री शक्ति के बारे में बताया, कि कुंडलिनी माँ स्वयं एक स्त्री शक्ति है और एक स्त्री शक्ति की उपासना जब आप करने जा रहे हैं तो स्त्री की तरफ देखने की दृष्टि आपकी पवित्र होना चाहिए। स्त्रियों की रिस्पेक्ट करना सीखो, स्त्रियों का आदर करना सीखो, लेकिन आपके व्यवहार में
वो भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। स्त्रियां अभी भी समाज में वो स्थान नहीं प्राप्त कर सकी है जो स्थान उनका है। और जब हम विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, विश्व शांति की बात कर रहे हैं, तो स्त्रियों को छोड़ करके हम केवल आधे विश्व की कल्पना कर रहे हैं। केवल इस लिंग भेद से आधी आत्माएं या अनुभूति का प्रसाद पाने से वंचित रह जाएंगी। ऐसा न हो इसीलिए आपको अपने अभियान में उन्हें भी बराबर का शामिल करना चाहिए। जब तक समाज के ये दोनों चक्र पुरुष और स्त्री समान नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, समाज की कभी प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। स्त्रियां वे सभी कार्य कर रही हैं जो कार्य पुरुष करते हैं, लेकिन फिर भी स्त्रियों को वो दर्जा समाज में नहीं प्राप्त है जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए, स्त्रियां स्त्रियों के ही विरोध में कार्य कर दिए। जब स्त्रियों को कोई अवसर दिया जाता है तो उनकी शिकायत करने वाली अधिकतर स्त्रियां ही रहती है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि इनके आपस के अंदर भी एकता नहीं है, आत्मीयता नहीं है। शरीर से जब आप ध्यान करने जाएंगे तो आत्मीयता का भी अभाव रहेगा, क्योंकि शरीर से ध्यान कर रहे हैं। तो शरीर से ध्यान कर रहे हैं तो मन की एकाग्रता होगी, अच्छा लगेगा, थोड़ी देर शांति मिलेगी, आपको आपके कार्य के लिए ऊर्जा मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं। Thanks for watching. Like. Comments. Share. And subscribe.